अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको मेरे YouTube चैनल कुकिंग एंड व्लॉग्स विद आयज़ा पे खुश आमदीद कहा जाता है। आज आपके लिए क्या पकाया जा रहा है, इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। आगाज़ करते हैं कुकिंग की जानिब बढ़ने से पहले आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कुकिंग एंड व्लॉग्स विद आयज़ा, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये एक पैन में मैंने पानी चढ़ा लिया है, आँच को ऑन करेंगे मैक्रोनी बॉईल करने के लिए। इसमें हम मैक्रोनी शामिल कर देंगे। मैक्रोनी जो बॉईल हो रही है उसमें हम एक टेबलस्पून के करीब जो है वो ऑयल डालेंगे। साथ ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। ये इंशाल्लाह ताला बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, बहुत कम खर्च में, कम वक्त में और बहुत ही मज़ेदार ये आपको मैं बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ व्यूवर्स मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कम दिनों में, बहुत कम दिनों में कुछ छोड़े बगैर आप अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और इसमें दूसरी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये लड़कियों के लिए, खसूसन लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि मैं आपको ये भी बताऊँगी कि देखते ही देखते आप अपने बालों को लंबा कैसे कर सकती हैं, उनकी ग्रोथ कैसे अच्छी हो सकती है, उनको स्मूथ कैसे, स्मूथ एंड सिल्की कैसे आप बना सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए वीडियो जो है वो अपलोड किया करूँगी ज़रूर। तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए नई सी नई रेसिपी लाऊँ और नई सी नई घरेलू होम रेमडीज़ जो होती हैं वो भी मैं आपके लिए लाऊँ, ताकि आप लोगों को खाना पकाने के साथ साथ दूसरे कामों में भी आपको मदद मिल सके मेरी वीडियो देख के। जो मेन चीज़ है वो यही है कि इनकी चीज़ों को मिक्स कैसे किया जाए, अब हम वो भी आपको बताते हैं। कढ़ाई मैंने जो है वो चूल्हे पे चढ़ा ली है, आंच को ऑन करते हैं और सबसे पहले इसमें हम 4 टेबलस्पून के करीब जो है वो हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम कुटा हुआ लहसुन इस्तेमाल कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे हम जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। बीच बीच में से मैक्रोनी को आप चेक करते रहें ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, चिपके नहीं, और आपने इतना ओवर कुक नहीं कर देना कि ये साथ में जुड़ जाएं, इनका आपने ख्याल रखना है। तो ये हल्की आंच पे पक रहा है, उतनी देर तक हम इसका जितना भी मिक्सचर है वो हम रेडी कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा लहसुन तैयार हो चुका है, इसमें अब हम ऐड करेंगे चिकन। इसको हम फ्राई कर लेते हैं चिकन को अच्छे तरीके से। व्यूअर्स, आप मौजूद हैं मेरे चैनल कुकिंग एंड व्लॉग्स विद आयज़ा पर, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाना, ऑल के ऑप्शन पर दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़, चाहे वो घरेलू रेमडीज़ हों, चाहे वो रेसिपीज़ हों, तो आप उनको देख सकें। जी व्यूअर्स, हमारा चिकन बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, अब हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है वो प्याज ऐड करेंगे, गाजर और बंद गोभी और शिमला मिर्च, बंद गोभी। अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ओवर कुक नहीं करना है इसको। इसके बाद साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे। हसबे जायका इसमें हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस, और अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, झटपट मज़ेदार स्पेशल चिकन मैक्रोनी आपके लिए तैयार होगा इंशाल्लाह। तो नई वीडियो में मैं आपको, जो मेरी अपकमिंग वीडियो है उसमें मैं आपको बालों के लिए बहुत ही अच्छी होम रेमडी बताने वाली हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी कि जो होम रेमडी मैं इस्तेमाल करती हूँ उससे रिज़ल्ट क्या है। मैं बाकायदा आपके लिए जो है
वो रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगी, जो तेल मैं घर में बनाती हूँ, बना के अपनी बेटी के बालों पे इस्तेमाल करती हूँ, मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी और मैं आपको तेल बनाना भी सिखाऊंगी। तो उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं आगे आपके साथ इस तरह की रेमडीज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी, जिसमें स्मार्ट होने का तरीका भी होगा, जिसमें बालों को स्मूद एंड सिल्की करने का भी तरीका होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मैक्रोनी की तरफ, जो बॉयल हो चुकी हैं, और इसको हम अपने मिक्सचर में डाल देंगे। मैक्रोनी माशाल्लाह कितने खिले खिले हमारे जो है वो तैयार हो चुके हैं, सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ, मैक्रोनी भी बहुत अच्छे फ्रेश फ्रेश लुक आपको नज़र आ रही होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह जो है वो घर में ट्राई करेंगे। बढ़ते हैं इसकी सर्विंग की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल चिकन मैक्रोनी बनकर तैयार है, तो आप भी इसको घर में ट्राई करें। और आप मौजूद हैं मेरे चैनल कुकिंग एंड व्लॉग्स विद आयज़ा पर, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बार वक्त आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।